जी, मैं सुरेश कुमार आप सभी का जिप्सी लाइफ चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आ रहे हैं बहुत ही प्यारी सी, छोटी सी लेकिन बहुत ही बढ़िया इमोशनल लव स्टोरी। क्योंकि आज के टाइम में इतनी सारी ऑफ रोडिंग गाड़ियां आने के बाद जिसमें इतने सारे लग्जरी एलिमेंट्स आ गए हैं, लेकिन अभी भी अगर आप BS4 मारुति जिप्सी पुरानी गाड़ी विद द टैग ऑफ द किंग ऑफ रोड खरीद रहे हो, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में और दिल में कोई ना कोई कीड़ा है। और इसी कीड़े को शांत करने के लिए कौशिक बैनर्जी ने यह गाड़ी खरीदी। कहना उनका यही है कि मेरे वीडियो देखने के बाद उन्हें गाड़ी खरीदने का मन हुआ, लेकिन डेफिनेटली यार कीड़ा तो आपके पास पहले से था। तो मिलते हैं कौशिक बैनर्जी वेस्ट बंगाल से। हाय, मैं कौशिक बैनर्जी सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। ये जो कोटेशन है इसको मैं दिल से मानता हूं और हर किसी को मानना चाहिए। इफ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। मेरा एक सपना था जो मैं बहुत दिन से देखता था, कभी सोते हुए ज्यादातर जागते हुए। आज वो सपना मेरा पूरा हो चुका है। मैं जिसको लेके सपना देखता था आज वो मेरे साथ है। तो तैयार हो जाइए, दिल थाम के बैठिए और आंख खोल के देखिए ये। यह है मारुति जिप्सी। ये 1.3 लीटर 16 वाल्व 4 सिलेंडर का इंजन है जो आपको करीब 8 से 10 की माइलेज दे देगी। मुझे एक्चुअली हाईवे पे इसमें 10 का भी माइलेज मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको अगर खोलूंगा तो दिखा पाऊंगा, लेकिन अभी इसको खोलना नहीं चाहता मैं। यहाँ पे फ्री व्हील हब लगाया हुआ है जिसके लिए माइलेज अच्छा देखिएगा। ज्यादातर जिप्सी सेकंड सीट जो होता है फ्रंट फेसिंग नहीं होता है, इसका फ्रंट फेसिंग बनाया हुआ है। और सीट तक पहुँचने के लिए पहले आप इसको एक पायदानी लगाया हुआ है, फिर आप इसको खोलिए। खोलने के बाद आगे करके यहाँ से अब दिखा दीजिए घुस के। फिर पैसेंजर बैठने के बाद आप इसको, पैसेंजर जब बैठ जाए फिर आप इसको रिवर्स प्रोसेस में पीछे करके पहले आप इसको सीधा कर लीजिए, फिर पीछे कर दीजिए। ये हो गया। फिर आके ओ यस, ये पहले देख लीजिए, नो रोड नो प्रॉब्लम जिप्सी। एक्चुअली यही होता है। फिर यहां पे दो जन आराम से बैठ जाएंगे। तो आइए आपको ड्राइविंग सीट का भी दिखा देते हैं। ये हो गया आपका, ये सब तो आपको पता ही है। ये आपका गियर लीवर हो गया और ये हो गया आपका फोर व्हील ड्राइव का गियर लीवर। डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि सुरेश भाई की वीडियो में बार बार आप लोग इसका डिटेल देख चुके हैं और आगे भी देखिएगा, जो बहुत ही जानकारी देगा आप लोग को। मैं तो इतना ही कहूंगा, जिप्सी लीजिए, जिप्सी चलाइए और जिप्सी फैमिली बनिए। क्योंकि मैं इतना बता सकता हूं कि रास्ते में जब आप चलिएगा, 1000 गाड़ी में जब आपका जिप्सी रहेगा तो उसका एक अलग पहचान बनता है, उसका एक अलग रुतबा बनता है। ऐसा भी मेरे साथ हुआ। मेरा तो जिप्सी का पैसा वैसे ही उसूल हो गया एक दिन, जिस दिन मैं एक पंप में गया था, काफी पुराना पंप है क्योंकि वेस्ट बंगाल में मैं जिस सेक्टर में रहता हूँ, एक्चुअली मैं कल सिलीगुड़ी बोला था लेकिन सिलीगुड़ी से थोड़ा बाहर हूं मैं, तो जिस सेक्टर में मैं रहता हूँ वहां पे आसपास कोई मेरा इतना आप समझ लीजिए, मेरा जो RTO है, मेरा RTO में बस यही एक जिप्सी है। तो मैं उसी दिन मेरा पैसा वसूल हो गया जिस दिन मैं गया था रिफिल करवाने के लिए पेट्रोल,
मुझे बार बार पूछा गया कि पेट्रोल है ना, मैं बोला हाँ जी पेट्रोल ही है। तो फिर वो बोले कि नहीं एक्चुअली आज तक ये गाड़ी आया नहीं, तो ये जिप्सी कभी उनके पंप पे पहुंची ही नहीं इससे पहले कोई जिप्सी, तो उसी दिन मेरा पैसा वसूल हो गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जिप्सी लीजिए, जिप्सी फैमिली भी नहीं है, और जैसे मेरा ये तेजस है अपना एक जिप्सी लीजिए, प्यारा सा एक नाम दीजिए, शौक से चलाइए, अपना रुतबा बनाइए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे कभी। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जिसने ये जिप्सी आज तक नहीं खरीदी है तो मैं ये कहूंगा अपने दिल और दिमाग का कीड़ा शांत करिए, गाड़ी को जरूर खरीदिए, क्योंकि जब रोड के ऊपर कोई दूसरा बंदा गाड़ी लेके जाएगा तो आप जलोगे, इससे बेटर है जलिए मत, खून मत जलाइए, अपने दिल दिमाग का कीड़ा शांत करिए। इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है, तो अगर बाय चांस आपको गाड़ी पसंद नहीं आए, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ना आए तो इसको बेच के फिर अपनी जो भी दूसरी पसंद हो उसको खरीद लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपने गाड़ी खरीदी हुई है और आपका कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस है, कोई लव इमोशनल अटैचमेंट है, तो प्लीज़ हमें ईमेल करिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।